की सालियों ओ हरे दुपट्टे वालियों। जी हाँ दोस्तों, ये उसी फिल्म का सॉन्ग है जिसने साल 1994 में बॉक्स ऑफिस पर कहर बरसा दिया था और इस फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक थी, जो आज भी जब टीवी पर प्रसारित की जाती है तो इस फिल्म को देखने वालों की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं बल्कि इस फिल्म में काम करके प्रसिद्धि हासिल करने वाले कलाकारों के रियल लाइफ बच्चों के बारे में बताने वाले हैं, जो दिखने में बेहद स्टाइलिश है। तो आइए जानते हैं कौन है वे कलाकार और उनके बच्चे। लक्ष्मीकांत बेंडे। फिल्म में लक्ष्मीकांत बेंडे सहायक अभिनेता के तौर पर लल्लू प्रसाद का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जो फिल्म में प्रेम के करीबी दोस्त होते हैं। आज भले ही ये हमारे बीच ना हो, लेकिन इन्हें इस किरदार के लिए आज भी खूब याद किया जाता है। अगर बात करें इस दमदार अभिनेता के बच्चों के बारे में, तो इनके दो बच्चे बेटा अभिनय बेंडे और बेटी स्वनंदी बेंडे हैं। आपको बता दें कि अभिनय प्रोफेशन से टॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं, जिन्हें फिल्म रैपट के लिए जाना जाता है। वहीं स्वनंदी को अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा जाता है। खबरों की माने तो ये भी जल्द टॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू करेंगी। रीमा लागू। इस फिल्म में पूजा और निशा की मां का किरदार निभाया था रीमा लागू ने। इस फिल्म में इन्हें श्रीमती चौधरी के किरदार में देखा गया था, जिसे निभाकर इन्होंने दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की थी, लेकिन आज ये हमारे बीच नहीं है। अगर बात करें इस टैलेंटेड अभिनेत्री के बच्चों के बारे में, तो इनकी एक बेटी है जिसका नाम मृणमयी लागू है। आपको बता दें कि मृणमयी प्रोफेशन से टॉलीवुड फिल्मों की एक फेमस एक्ट्रेस है, जिन्होंने कई टॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। मोहनीश बहल। इस फिल्म में राजेश एक ऐसा किरदार था जिसे दर्शकों द्वारा खूब अच्छा रिस्पांस मिला था और इस किरदार को निभाया था मोहनीश बहल ने, जो फिल्म में प्रेम के बड़े भाई होते हैं। इस फिल्म में हमें इनका सादगी भरा और मासूम अंदाज देखने को मिला था। अगर बात करें इस दिग्गज अभिनेता के बच्चों के बारे में, तो इनकी दो बेटियां हैं, प्रनूतन बहल और कृषा बहल। अगर बात करें इनकी बड़ी बेटी प्रनूतन के बारे में, तो इन्हें साल 2019 में आई फिल्म नोटबुक के लिए जाना जाता है। वहीं इनकी छोटी बेटी कृषा अभी काफी छोटी हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। माधुरी दीक्षित। फिल्म में चुलबुले और नटखट अंदाज में नजर आने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने निशा का जबरदस्त किरदार निभाया था, जिन्हें प्रेम की प्रेमिका के रूप में देखा गया था। इस किरदार को निभाकर इन्होंने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के बच्चों के बारे में, तो इनके दो बेटे हैं अरीन नैना और रियान नैना। जहां अरीन 17 साल के हो चुके हैं, तो वहीं रियान 15 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल दोनों ही अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। सलमान खान। इस फिल्म में सलमान खान मुख्य अभिनेता के तौर पर प्रेम के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में इनकी और निशा की लव स्टोरी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था, जिसके चलते शायद ही आज इनकी इस जोड़ी को कोई भुला पाया हो। अगर बात करें इस बेहतरीन अभिनेता के बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें कि अभी तक भाईजान ने शादी नहीं की है, लेकिन ये अपने भाई बहनों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही मानते हैं और इनका प्यार अक्सर सोशल मीडिया पर झलकता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, क्या आज भी आप फिल्म हम आपके हैं कौन को देखना पसंद करते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।